गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू लेसन फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू हाफ चैप्टर एंड टुडे वी विल कंटिन्यू इन दिस चैप्टर. ओके, सो ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रीड. हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर. ओके, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है. तो इसमें क्या है, लैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग. जो लैंड होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है किसके लिए, फार्मिंग के लिए. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर द कल्टीवेशन. ओके, यानी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जितने भी सारे लोग होते हैं वो क्या नहीं होते, एंगेज नहीं होते हैं एग्रीकल्चर में. क्यों नहीं होते, लैंड इज़ द अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. क्योंकि जैसे लैंड होती है ना, वो क्या होती है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है. यानी जो इक्वल है ना तरीके से या प्रॉपर तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया होता है. ठीक है, सम डू नॉट हैव लैंड, और किसी के पास क्या होती है, बिल्कुल भी लैंड नहीं होती है. ठीक है, और सम हैव ए स्मॉल प्लॉट ऑफ ए लैंड, और किसी के पास क्या होते हैं, बहुत छोटे प्लॉट होते हैं. ठीक है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, उसमें एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर पाते या कल्टिवेट नहीं कर पाते हैं. और कुछ होते हैं, सम सेक्शन हैव यूज पार्ट ऑफ द लैंड, और कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनके पास में क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा या रिक्वायर्ड से ज़्यादा क्या होती है, लैंड होती है, जितनी उनको ज़रूरत नहीं होती. अब देखो, किसी के पास तो क्या होती है, इतनी ही ज़मीन है. ठीक है, अब जबकि उसको ज़रूरत बहुत बड़ी लैंड की होती है, बट फिर भी उसके पास इतनी है. और कई बार क्या होता है, किसी की रिक्वायर्ड बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी उसके पास में क्या होती है, जो लैंड है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा होती है उसके पास में. तो किसी के पास जो लैंड का पार्ट होता है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा है और किसी के पास है, तो ये क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है. यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है लैंड का, जिसके कारण क्या होती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या होती है, डिफ़िकल्टी उठानी पड़ती है या मुश्किलें उठानी पड़ती है. अब इसमें क्या किया गया है, एक जैसे इस लेसन में एक स्टोरी दी गई है गोबिन की. ठीक है, तो इस गोबिन की स्टोरी के द्वारा भी आपको क्या होता है, अच्छे से क्लियर किया जा सकता है कि मान लो कि गोबिन के पास कितना था, 2.25 मतलब हेक्टर जो भी होती है वो उसके पास लैंड होती है. ठीक है, अब उसके कितने बेटे होते हैं, 3 सन्स होते हैं. ठीक है, अब उसके पास ये इतना पार्ट मान लो कि लैंड का है गोबिन के पास में, अब उसके 3 सन्स हैं. तो अब बाद में अब जब गोबिन की डेथ हो जाती है, तो अब 2.25 हेक्टर उसके पास मान लो कि लैंड एरिया है. अब उसके बाद में क्या होगा, वो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो 1 मतलब सन के 0.75 लगभग उस पर क्या आएगी, लैंड आएगी. तो यानी उनके रिक्वायर्ड से ज़्यादा उनके पास क्या होगी, रिक्वायर्ड से भी कम उनके पास लैंड आएगी. तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लैंड का बताया गया है. ठीक है, नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आता है हु विल प्रोवाइड द लेबर. ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या आएगा, हु विल प्रोवाइड द लेबर. अब देखो, जैसे ये लैंड थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया था. ठीक है, यानी कि कल्टीवेशन का या एग्रीकल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर लैंड होता है. अब जस्ट उसके बाद में अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर. यानी प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर इन सब के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की ज़रूरत होती है. अब ये लेबर कौन होंगे, कहाँ से आएंगे,
ठीक है, यानी इसके अब ये सेकंड फैक्टर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन के लिए। अगर आप किसी भी तरह का प्रोडक्शन कर लो, एग्रीकल्चर कर लो, तो उसमें क्या होगी, आपको लेबर की रिक्वायर्ड होगी, यानी लेबर की ज़रूरत होगी ही होगी। अब इसमें भी क्या होता है, अब जैसे दो तरह के फार्मर होते हैं, एक तो होता है स्मॉल फार्मर होता है, ठीक है, और एक होता है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, ठीक है। अब ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, तो उनको भी क्या होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, पर ये हो सकता है कि इनके जो लेबर होते हैं वो इनके फैमिली मेम्बर ही हो सकते हैं, ठीक है, यानी जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो ही लेबर की रिक्वायर्ड पूरी कर देते हैं, यानी जो लेबर की ज़रूरत है वो उनके फैमिली मेम्बर ही पूरी कर देते हैं, क्योंकि वो इतना इनके पास में क्या मनी नहीं होता है कि ये दूसरे लेबर को हायर कर सके। इसके लिए क्या होते हैं, इनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो ही लेबर की क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं, ठीक है। दे अलॉन्ग विद दियर फैमिली कल्टिवेट दियर ओवन फील्ड्स, यानी वो अपने फील्ड्स के ऊपर क्या करते हैं, खुद मिलकर ही लेबर की क्या होता है, पूर्ति कर देते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। और जो मीडियम और लार्ज नंबर होते हैं, दे हायर फार्म लेबर टू द वर्क ऑन दियर फील्ड्स, और वो क्या करते हैं, वो हायर कर देते हैं फार्म लेबर्स को। अब ये फार्म लेबर्स क्या होते हैं, जैसे ही आपके ये माइंड में आता है कि ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या हायर करते हैं, फार्म लेबर्स हायर करते हैं, किसके लिए, वर्क ऑन दियर फील्ड्स, अपने फील्ड में काम करने के लिए वो किसको हायर करते हैं, फार्म लेबर को करते हैं। अब ये फार्म लेबर क्या होते हैं, फार्म लेबर कहाँ से आते हैं और कौन होते हैं, ठीक है। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड। ये जो फार्म लेबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, या तो उनके पास में क्या होती है, कल्टिवेशन करने के लिए कोई जगह या ज़मीन नहीं होती है, लैंड नहीं होती है, या फिर क्या होते हैं, ये लैंडलेस फैमिलीज होती है एंड फैमिली कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड, या फिर क्या होता है, जैसे गोपिन के पास ही कि उनके तीन बेटों में डिवाइड किया गया था, तो उनके पास क्या होती है, कल्टिवेशन के लिए लैंड बहुत कम होती है, तो वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के क्या करते हैं, जो अदर फील्ड होते हैं उनके फील्ड के अंदर वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद में वो अपना काम कंप्लीट करते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट आता है सिचुएशन ऑन ए फार्म लेबर्स। अब वो सिचुएशन डिपेंड करती है कि किस सिचुएशन के कारण वो फार्म लेबर्स बने, क्यों बने, तो इसमें एक एग्जांपल होता है, कौन सा एग्जांपल आता है, डाला और रामकली, एक स्टोरी है उसके अंदर आपके बुक में दी गई है, आप उसको अच्छे से आप रीड करना, उन स्टोरी के थ्रू क्या हो जाएगा, आप एकदम क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर कि मतलब कैसे है। तो इसमें डाला और रामकली की स्टोरी दी गई है, ठीक है। इसमें जैसे आप डाला और रामकली दो जने ऐसे लेबर हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब डाला बोलता है कि ना आजकल तो क्या हो गया, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, खेत हो गए या वो हार्वेस्ट करवाते हैं, मशीनें लेके आ गए हैं, जिससे क्या हो गई, लेबर की ज़रूरत कम होती जा रही है। तो रामकली बोलती है कि है ना अब तो लोगों ने पेस्टिसाइड यूज करना शुरू कर दिया, वीडिसाइड यूज करना शुरू कर दिया, तो उनको लेबर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो ये डाला होता है वो बोलता है, क्या बोलता है, वी हैव द ट्रैक्टर एंड द प्लफ। अब वो क्या करते हैं, जैसे अब खेतों को भी प्लफ करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, हम जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उनको लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। अब रामकली क्या बोलती है, रामकली के ऐसे मन में ऐसे आ गया कि अब तो हमें इन जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो कोई काम रहा नहीं, तो अब मैं ब्रिक मेकिंग, जो ईंटे वगैरह का, जो भट्टे वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे काम करने जाऊँगी। तो फिर इससे डाला बोलता है, मेरे पास भी इतना डेप्थ हो गया, इतना जैसे मैंने लोन नहीं रखा है, इतने पैसों का लोन हो गया, तो मैं कैसे चुकाऊँगा। तो इस तरह लोग जो मतलब ये जो लेबर्स होते हैं उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो ये होते हैं फार्म लेबर, यानी इस काम जो ये फार्म लेबर होते हैं वो भी क्या हो गए, यानी इनको काम की ज़रूरत होती है और वहाँ पे काम नहीं मिलता है। जो लार्ज, अब मॉडर्न जो टेक्निक आने की वजह से क्या हो गई, मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गए, तो लेबर की ज़रूरत कम हो गई, लेबर की ज़रूरत कम हो गई, तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाने की करते हैं, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कि जो फर्स्ट आपका था फैक्टर क्या था, लैंड था, सेकंड आपका फैक्टर क्या होता है, लेबर होता है, ठीक है, ज़रूरत होती है। लेकिन इन लेबर में ये जो फार्म लेबर्स होते हैं वो उनके पास क्या होती है, या तो लैंडलेस होती है फैमिली, उनकी ज़मीन होती नहीं है, या होती है तो फिर वो बहुत छोटे प्लॉट होते हैं जिनको वो अपनी रिक्वायरमेंट को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है
नेक्स्ट थर्ड आपका टॉपिक आता है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, अब इसका मेन क्या होता है कि देखो मॉडर्न फार्मिंग आती है, ठीक है, इसके अंदर क्या आया मॉडर्न फार्मिंग। फिर कैपिटल इंटेंसिव, ओके। अब ये जो कैपिटल, अब मॉडर्न फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, होती है। आपको पता है कि जो मॉडर्न फार्मिंग होगी अगर आप उसका यूज़ करोगे तो उसमें कैपिटल की ज़रूरत होगी। अब ये कैपिटल आएगी कहाँ से, ठीक है, ये जो कैपिटल इंटेंसिव लगाओगे आप करोगे तो ये जो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर ये कैपिटल आएगी। वेयर डज द कैपिटल कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आती है। अब देखो जैसे स्मॉल फार्मर होते हैं ना, वो तो क्या करते हैं, अब मॉडर्न फार्मिंग, अब आज जो प्रेजेंट के अंदर अगर एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन की जाती है, चाहे स्मॉल फार्मर्स हो या लार्ज फार्मर हो, दोनों को ये फार्मिंग करवानी पड़ती है। क्यों करवानी पड़ती है, क्योंकि आज ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्रेजेंट की ये रिक्वायरमेंट हो गई। लेकिन अब स्मॉल फार्मर जो होते हैं उनके पास में आएगी कहाँ से इतनी सारी कैपिटल, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, मनी को क्या करते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, मनी को बोरो करेंगे, उधार लेंगे वो। अब ये उधार किससे लेंगे, बोरो मनी किससे करेंगे, मनी को बोरो किससे करेंगे, यानी जो लार्ज फार्मर होंगे या मनी लैंडर्स होंगे, जो ट्रेडर्स होंगे, उनसे वो क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको मॉडर्न फार्मिंग के अकॉर्डिंग मशीनें लानी होती है, ट्रैक्टर लाने होते हैं, जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स होते हैं वो लाने पड़ते हैं। तो इनके लिए उनको किसकी ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, और कैपिटल उनके पास होती नहीं है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, मनी को बोरो करना पड़ता है। और बोरो करने के लिए उनको किससे लेना पड़ेगा, मनी लेंडर से लेना पड़ेगा, ट्रेडर से लेना पड़ेगा। तो उनके थ्रू उनको क्या मिलती है, मनी मिलती है, जिससे वो अपनी जो कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, ओके। अब ये जो मनी बोरो करना है, ठीक है, ये गुड है या बैड है, अच्छा है या बुरा है, अब इस चीज़ को आप देखो कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें एक इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्या दी गई है, आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है सविता की, ठीक है। सविता क्या है, एक फार्मर है। अब देखो वो जो फार्मर होता है ना, वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो फार्मर तो किसान ही होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जैसे टीचर है, तो अब टीचर तो कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि मेल या फीमेल, वो तो कोई भी हो सकता है। टीचर तो क्या है, एक आपको एक डेजिनेशन है, एक पद है जो दिया गया है, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। सेम एज फार्मर है, उसमें सविता या कोई भी मेल या फीमेल जो भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें एक स्टोरी दी गई है सविता की, ठीक है। उसने क्या कर रखा है कि जैसे एक मतलब अपनी एक हेक्टर, मान लो कि 1 हेक्टर उसके पास लैंड है या प्लॉट है, जिसके ऊपर उसको क्या करनी है, खेती करनी है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि तेजपाल सिंह नाम का एक मान लो मनी लेंडर्स है या जो भी है, एक बड़ा जो लार्ज फार्मर है, तो उससे क्या किया, उसने कुछ पैसे बोरो किए, कुछ उधार उसने ले लिया, ठीक है। अब उसने उसको उधार तो दे दिए, पैसे तो दे दिए, लेकिन उससे क्या किया उसने कि अब पैसे लेने के बाद में उसने ये भी कर दिया कि ये तू पैसे है कि तूने दे दिया, वो धीरे, अब कोई ज़रूरी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो एग्रीकल्चर सविता करेगी उससे मान लो कि अच्छी फसल हो जाएगी और वो उसको पैसे चुका देगी, ठीक है। तो उस तेजपाल ने उसे क्या कहा कि है ना, ये पैसे तो मैं आपको दे रहा हूँ, बट आप क्या करोगी नेक्स्ट, मतलब है ना, आप मेरी लैंड के अंदर या मेरी भूमि के अंदर आप नेक्स्ट ईयर से काम करोगे, ठीक है। तो यानी अब उसको उसने क्या किया, ज़बरदस्ती उसको अपने लैंड पे काम करने के लिए उसको मजबूर कर दिया, ठीक है। अब वो उसको पैसे दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन उसको उसकी ज़मीन के ऊपर काम करना पड़ेगा या लैंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये जो बोरो करना है उससे क्या होता है, जो मनी लेंडर्स होते हैं या तेजपाल से जैसे जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको फोर्स करते हैं किसी न किसी काम करने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो स्मॉल फार्मर होते हैं और उनको पैसों की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, ठीक है।
तो और मीडियम और लार्ज फार्मर हैव दीवन ओवन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग दे वी दैट द कैपिटल रिक्वायर्ड। ओके नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आता है सेल और सरपल्स फॉर्म ऑफ यानी जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो मनी को बोरो करते हैं, करना उनको लिए कंपलसरी हो जाता है, बट वो क्या होते हैं अच्छी फसल नहीं होने पर अगर उनको चुका नहीं पाते हैं पैसों को, उनको पूरी ज़रूरत को अपने को पूरा करने के लिए क्या करते हैं धीरे 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 और ज़्यादा डेप्थ के नीचे क्या आते हैं दबे चले जाते हैं। ठीक है, यानी ऊपर से ऊपर उनका वो पहला वाला तो उनका वो लोन कंप्लीट ही नहीं होता, उधार चुकता ही नहीं होता, उससे पहले वो क्या होते हैं और ज़्यादा उनसे पैसे लेके उनके डेप्थ में क्या आते हैं डूब जाते हैं, पूरी तरह से उनके क्या बन जाते हैं ऋणी हो जाते हैं या कर्जदार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आता है सेल ऑफ द सरपल्स फार्म प्रोडक्ट। अब जैसे सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सरपल्स क्या होता है, ये एक न्यू वर्ड है कि सरपल्स क्या होता है, तो सरपल्स ये होता है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आपके पास अगर कोई चीज़ होती है वो क्या कहलाती है सरपल्स कहलाती है। ठीक है, यानी आपकी ज़रूरत को जब पूरा हो जाती है यानी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है उसके बाद में अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट बच जाते हैं तो वो क्या कहलाती है सरपल्स कहलाती है। ओके, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि व्हाट इज सरपल्स, क्या होता है सरपल्स, यानी रिक्वायरमेंट से अगर कोई ज़्यादा आपके पास में प्रोडक्ट है तो वो क्या कहलाएगा प्रोडक्शन है तो वो सरपल्स कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ द ग्रेन्स लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट इट इज़ द एक्सिस ऑफ द प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन का एक्सिस पार्ट है यानी आपका प्रोडक्शन का जो एक्सिस पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका सरपल्स कहलाता है। कंप्लीट हो गया ये चीज़ आपकी, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो एक्सिस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का जो एक्सिस पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका सरपल्स कहलाता है। रिलेट इट विथ स्टोरी ऑफ द सविता एंड गोबिंद। अब आप इससे भी क्या कर सकते हो, ये जो है उसमें भी आप सविता और गोबिंद की स्टोरी देख सकते हो, यानी गोबिंद के पास क्या होता है ज़रूरत से रिक्वायरमेंट से कम है। ठीक है, पार्ट और उसके पास में क्या होता है ज़रूरत से, अब सविता के पास में भी क्या होता है रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो उसे क्या लेती है मनी को बोरो करती है और डेप्थ के में डूब जाती है। ठीक है, तो इसमें भी वो स्टोरी कंप्लीट होती है आपकी। स्मॉल फार्मर्स हैव द लिटिल सरपल्स, इट इज़ द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हु सेल्स सरपल्स टू द मार्केट। अब जो छोटे फार्मर होते हैं उनके पास सरपल्स बचता ही नहीं है क्योंकि उनके पास तो रिक्वायर्ड जितनी होती है रिक्वायर्ड होती है उतना भी नहीं होता है, तो वो सरपल्स क्या करेंगे यानी बचा के क्या रखेंगे किसी के पास में। लेकिन जो लार्ज फार्मर होते हैं उनके लिए पास क्या होता है बहुत सारा सरपल्स बचता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उनके पास में और वो क्या करते हैं उस प्रोडक्शन को फिर या उस प्रोडक्ट को जो भी होता है मार्केट में सेल करते हैं। मार्केट में सेल करने के बाद में जो पैसा आता है वो उनके पास क्या होती है एक्स्ट्रा मनी होती है और वो क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस एक्स्ट्रा मनी को सेविंग करके रखते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखा जाए तो वो तेजपाल जो एग्जाम्पल था तेजपाल का मैंने एग्जाम्पल बताया था वो आ सकता है, जैसे उसने सविता से क्या किया सविता को पैसे दिए लेकिन उसने बदले में क्या कहा कि तू अगर ये पैसे नहीं चुका पाएगी तो मेरी लैंड पे क्या करेगी वर्क करेगी कई सालों तक, तो ये मतलब लोगों के द्वारा उसने क्या किया लोगों को फोर्स करता है वो काम करने के लिए। अब वो क्या गए? बिना पैसे में काम करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा उसके पास तो वो पैसे बचते चले जाएंगे, यानी एक लेबर को जो पैसे देने होंगे वो पैसे उसके पास में बचते जा रहे हैं सेविंग होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है ये टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो यहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सरपल्स क्या होता है, तो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास तो रिक्वायरमेंट से
कम जो भी ग्रेन होता है या प्रोडक्ट होता है या प्रोडक्शन होता है जो उनके पास में कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन जो लार्ज फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, सरपस बचा के रखते हैं जो को मार्केट में सेल करते हैं, फिर वो क्या करते हैं उन पैसों को फिर वो लोगों को क्या करते हैं काम करवाने के लिए फोर्स करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डन विद द अर्निंग गेन आफ्टर सेलिंग द सरपल्स। अब मान लो कि अब जो जैसे सरपल्स होता है वो उन पैसों से क्या करता है, और पैसे कमाता है, यानी कुछ सरपल्स तो उसने किए कि मार्केट में बेचा, उसने सेविंग की, अब उन पैसों से भी वो क्या करता है और पैसे कमाता है। कैसे पैसे कमाएगा, या तो वो क्या करेगा नए नए ट्रैक्टर खरीद लेगा, मशीनें खरीद लेगा, हाँ बैंक में सेविंग कर देगा, ठीक है, जैसे भी करके, यानी इतने नए नए मॉडर्न जो टेक्निक के अकॉर्डिंग है वो क्या करेगा उन सारी चीज़ों को वो अपने पास खरीद के रखेगा और जिनसे वो लोगों को जो रिक्वायरमेंट है पूरा करेगा और अपना काम कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका टॉपिक आता है इस लेसन का, नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर, सॉरी पालमपुर। अब नॉन फार्मिंग क्या होता है, फर्स्ट आता है डेयरी फार्मिंग, सेकंड आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और कोई भी ऐसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है द शॉपकीपर ऑफ द पालमपुर, अब यानी जो पालमपुर के अंदर शॉपकीपर है, और लास्ट आता है ट्रांसपोर्ट का आपका, वहाँ ठीक है। डेयरी फार्मिंग के अंदर तो ऐसे हो गई, जैसे मान लो कि बहुत सारी आपके पास जैसे काउज हो गई, बफेलोज हो गई, तो वो दूध वगैरह होते हैं, मिल्क होता है, मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, वो उनको क्या करते हैं मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट आ गई, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो गई। सेकेंड आपका क्या होता है, प्रोडक्टिंग गुड्स एंड द स्मॉल लेवल्स, और सेकेंड जैसे आप ऐसे आगे इसमें एक स्टोरी दे रखी है आपके इस टॉपिक के अंदर, स्टोरी ऑफ द मिस्त्री लाल, ठीक है। मिस्त्री लाल के पास में क्या है, जैसे उसने क्या किया कि उसके पास शुगर कैन की है, शुगर कैन का उन्होंने काम कर रखा है, शुगर कैन से उसने क्या किया, जैसे जूस वगैरह होता है, फिर उसकी जो आती है उससे वो क्या करता है जगेरी बनाता है, ठीक है, जैसे गुड़ वगैरह जगेरी बनाया और उसने क्या किया उसको मार्केट में सेल कर देता है, तो ये क्या हो गया उसका एक एक्स्ट्रा वर्क हो गया, ठीक है। सेकेंड आता है शॉपकीपर ऑफ द पालमपुर, अब पालमपुर के अंदर कई शॉपकीपर्स भी है, जैसे जनरल स्टोर भी खोले हुए हैं, ठीक है, स्मॉल सॉयल ऑफ द सेलिंग ऑफ द गुड्स इन विलेज, और विलेज के अंदर अब जैसे कोई हर छोटी सी चीज़ के लिए, जैसे रात को नाइट के अंदर क्या होता है सिटी में आए, इससे अच्छा क्या होता है विलेज में अगर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाए तो आपको शहरों में नहीं आना पड़ता है। तो ये क्या होती है छोटी छोटी जो शॉप होती है वो विलेजेस में आजकल क्या होने लग गई, खुल चुकी है या ओपन हो चुकी है, ठीक है। जनरल स्टोर है, जितने भी जनरल स्टोर है, जो भी ज़रूरत होती है आपकी जो रोज़ाना की जो रिक्वायरमेंट है वो वहीं पूरी की जा सकती है, ठीक है। शॉप नियर बस स्टैंड, अब बस स्टैंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ आप किसी भी जगह चले जाओ बस स्टैंड में क्या हो गए दो या तीन तो शॉप आपको मिलेगी ही मिलेगी, जिससे आपको कहीं पे पानी की व्यवस्था हो जाए, आना चाय की हो जाए, या जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो, तो बस स्टैंड पे भी शॉप की क्या होती है रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। और कई बार क्या होता है, जैसे इसमें एक करीम का दे रखा है कि करीम ने एक कंप्यूटर सेंटर खोल रखा है, अब लोग क्या करते थे कि बाहर आते थे कंप्यूटर सेंटर कंप्यूटर सीखने के लिए या शहर आते थे, तो करीम ने क्या सोचा क्यों ना मैं यहीं कंप्यूटर सेंटर खोल लेता हूँ, जिससे क्या होता है लोगों की जो रिक्वायरमेंट है ज़रूरत है वो यहीं पूरी होती रहे, तो उसने भी क्या कर लिया इससे उसका काम और अच्छा चलने लग गया। और लास्ट होता है ट्रांसपोर्ट, वेराइटी ऑफ द व्हीकल प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विस बिटवीन द पालमपुर टू द रायगंज, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो गई, जैसे ऐसे मान लो कि लोगों के पास में क्या होता है कि कैटल होते हैं, ठीक है, अब उसने क्या किया उस कैटल से मिल्क के प्रोडक्ट वो तो किए और फिर बाद में उसमें क्या किया उसमें जैसे पीछे कार्ट लगा लिया, जैसे गाड़ी उसको गाड़ी बना लिया, और उससे क्या करना ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उसकी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो टुडे योर होमवर्क, रीड लेसन फर्स्ट एंड फाइंड क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।